हेलो एवरीवन, मैं संगीता संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा इसी से ही आगे का ही बिंदु है। हमने अभी तक खाली आहार का मतलब देखा था, अर्थ देखा था कि आहार क्या होता है, संतुलित आहार और असंतुलित आहार दोनों का ही हमने इसके अंदर अध्ययन किया था। और इसके बाद मैंने आपको पोषक तत्व बताए थे कि पोषक तत्व है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वृहत मात्रिक और दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म मात्रिक। अब हमने आहार खा लिया, आहार खाने के बाद में हमें इन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में प्राप्ति हो चुकी है। अब इन पोषण का जो स्तर है, आहार को खाने के बाद हमारा शरीर का क्या होता है, पोषण होता है, क्योंकि बिना आहार खाए हुए हमारे शरीर का पोषण है वो संभव नहीं है। ये आहार खाने में और आहार के अंदर जो पोषक तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सब की हमारे शरीर को जब प्राप्ति हो जाती है तो उसी से ही जो हमारे शरीर का पोषण है वो उत्तम प्रकार का पोषण है वो प्राप्त हो जाता है। यानी शरीर की वृद्धि व विकास की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हमारी संपन्न हो जाती है। क्योंकि जो पोषक तत्व की पोषण की हम जो परिभाषा देंगे, वो पोषण की परिभाषा क्या होती है कि जो भोजन हमने खाया है उसकी जो रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर पूरी हुई है वो रासायनिक प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब ये जो पोषण है, पोषण के माध्यम से ही हमारे ये सारा मैं मिटा रही हूँ, क्योंकि अब हमें जो पोषण है वो किस किस तरीके का प्राप्त हो रहा है उस पोषण के बारे में हमें आगे की जानकारी देखनी है कि पोषण क्या है, पोषण जो हम ले रहे हैं वो पोषण हमारा किस तरीके का है, ये सारा हमें देखना है। तो भोजन खाने के बाद है, भोजन का पाचन हुआ, भोजन का क्या होता है, खाने के बाद पाचन होता है, अवशोषण होता है। ये भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया से ही हमें क्या प्राप्त होता है, पोषण की प्राप्ति होती है। तो आहार लिया, आहार का हमारे शरीर में पाचन हुआ, पाचन की प्रक्रिया वो अवशोषित होएगी हमारे शरीर के बाद, और अवशोषित होने के बाद हमारे शरीर का पोषण है वो प्राप्त होगा। अब ये पोषण है वो कितने तरीके का होता है, एक को तो हम क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपोषण, और दूसरा जो हमारा पोषण का प्रकार है, ये पहला प्रकार है पोषण। पूछा जाए कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, एक सुपोषण और एक होगा आपका कुपोषण। इनकी भी आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, रोग का नाम दे दिया जाता है कि ये कौन से स्तर का समस्या है, पोषण की है या कुपोषण की है। तो कुपोषण है ये भी हमारा दो प्रकार का देखा जाता है, एक तो क्या होगा अतिपोषण और दूसरा होगा अल्प पोषण। अल्प पोषण, पोषण का मतलब जो हमने आहार खाया है उसका हमारे शरीर में अवशोषण होगा, पाचन होगा और उसके बाद हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होगा। अब ये पोषण कैसा प्राप्त हुआ है इसको हमें देखना होगा कि जो पोषण तत्व हमारी शरीर की आयु, लिंग, अवस्था, ये नाम आप रट लो, आयु, लिंग, अवस्था और क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग अगर पूरे होते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए सुपोषण का मतलब क्या हो जाता है, अच्छा पोषण। यानी हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति है वो हमारे शरीर की प्राप्त हो जाएगी। यानी स्वास्थ्य है वो आहार और पोषण के आधार पर ही स्वास्थ्य है, उसकी प्राप्ति हमें होती है, क्योंकि दोनों के आहार और पोषण के ऊपर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर होता है।
इसलिए इन तीनों के अंदर क्या है, अंतर संबंध है। भोजन अच्छा खाएंगे, अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो यानी सुपोषण होगा तो वो क्या होगा, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरी तरीके से पूरा करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व है वो आपकी शरीर की आवश्यकता को पूरा करने वाले होते हैं। तो ये हमारा सुपोषण हो गया। और कुपोषण का मतलब क्या है, कुपोषण यानी अच्छा पोषण नहीं होना। ये अच्छा पोषण भी दो प्रकार, अच्छा कुपोषण भी क्या है, दो प्रकार का होता है, जो आपके शरीर के लिए दोनों ही हानिकारक होते हैं। अति अति है वो क्या है, हर चीज की बुरी होती है, आपको पता है हर चीज की बुरी है। तो अति तो किसी चीज की होनी नहीं चाहिए, चाहे वो पोषक तत्व हो चाहे आपका कुछ भी हो। तो अगर हम किसी भी जो हमने पोषक तत्व देखा है, जैसे प्रोटीन देखा है, प्रोटीन की अधिकता भी हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा है वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और इसकी कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। यानी पोषक तत्वों का उपयोग है हमारी शरीर की आवश्यकता से हम अधिक मात्रा का अगर सेवन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, अति पोषण है। और अगर हमारी आवश्यकता से हम कम मात्रा का प्रयोग अगर पोषक तत्वों को कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, अल्प पोषण कहलाता है। अल्प पोषण से ही हमारी जो बीमारियां है वो नई नई तरीके की बीमारियां है वो देखने को मिलती हैं। और अति पोषण की भी, जैसे आप आजकल अमीरों की जो हम बीमारियां कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर और मोटापा, ये सब क्या है, अमीरी की निशानी होती है जो कि अति पोषण का शिकार होती है। यानी उचित मात्रा से पोषण से हमें ज़्यादा मात्रा अगर हम अपने भोजन में ग्रहण कर लेते हैं तो वो अति पोषण की शिकायत लाती है, और अगर कम मात्रा में हम किसी भी पोषक तत्व का उपयोग हम कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, अल्प पोषण की शिकायत होती है। अब जैसे प्रोटीन का अगर आप अपने भोजन में कम मात्रा में प्रयोग करते हो तो सबसे पहला बच्चे का वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। वृद्धि और विकास है वो प्रॉपर रूप से नहीं रहेगा, बच्चा अपना संपूर्ण शारीरिक विकास है वो सही तरीके से नहीं करेगा, और उसका मानसिक स्तर है वो भी गड़बड़ा जाएगा, और उसको यानी कार्य करने की उसकी जो क्षमता है वो प्रोटीन से ही हमें क्या मिलती है, आपको अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है, जो कि 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, और ये 22 में से 10 तो आपको भोजन के माध्यम से ये प्राप्त होते हैं, और बाकी के जो 12 होते हैं उनको आपको प्राप्त करने की आवश्यकता देखनी पड़ती है। तो ये अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोज की मात्रा है, विटामिन इसमें सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। विटामिन में जैसे ए बी सी डी ई और के, इन 5 तरीके के विटामिनों को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक तो क्या कहते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और एक हमारे क्या है, वसा में घुलनशील होते हैं। तो इन सब का अगर असंतुलन हमारे शरीर में हो जाएगा तो इन अलग अलग तरीके की बीमारियां है वो हमारे शरीर में लग जाएंगी। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, इसकर रतौंधी रोग होता है। बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से बांझपन का, स्त्रियों में बांझपन का गुण आता है, और के की कमी से रक्त का थक्का है वो प्रॉपर रूप से नहीं जम पाता। तो जल में घुलनशील तो हमारे ये 2 विटामिन है, विटामिन बी और सी, ये हमारे जल में घुलते हैं, और बाकी के ए डी ई और के, ये हमारे क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इन विटामिनों को प्राप्त करने के लिए जो जल में घुलनशील विटामिन है उनको हमें वसा के माध्यम से पकाना चाहिए, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको हमें जल के माध्यम से पकाना चाहिए। तो ये सब क्या है, इन विटामिनों की कमी से हमारे अंदर क्या होता है, अल्प पोषण की समस्या है वो देखने को मिलती है। और अगर इन विटामिनों का
मात्रा से अधिक प्रयोग हो तो वो सब क्या है, अति पोषण का शिकार होती है। अब आपको ये जो पोषक तत्व मैंने आपको बताया है, ये आपको जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को 2200 किलो कैलोरी है, वो उसके पोषण के लिए जरूरी होती है। ये कैलोरी अब हमें मिलती कहाँ से? तो जो कार्बोज हम खाते हैं, तो 1 ग्राम कार्बोज से आपको क्या मिलेगा? कार्बोज 1 ग्राम बोलती थी, 1 ग्राम कार्बोज से आपको 4.2 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही प्रोटीन है, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन का अगर आप प्रयोग करते हो तो इससे भी हमें 4.2 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। और 1 ग्राम वसा आप खाते हो तो आपको 9.2 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। इन तीनों के ऊपर ये प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1 ग्राम कार्बोज से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ये जो वसा से उत्पत्ति है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या है, 2.5 गुना वृद्धि है, वो ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए हम वसा का प्रयोग है वो अपने भोजन के अंदर कम करते हैं, और जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग है हमारे भोजन में ज़्यादा देखा जाता है। और उन्हीं से ही हमें जैसे अब नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 350 ग्राम है वो अनाज का प्रयोग अपने दिन में करना चाहिए। तो इनसे जो कैलोरी ऊर्जा की मांग है वो हम निकालते हैं, तो इसको 4.2 से हम गुणा कर लेंगे तो हमें किलो कैलोरी है वो अनाज से मिलने वाली प्राप्त हो जाती है कि एक दिन में हमें अनाज से कितनी किलो कैलोरी की उत्पत्ति देखी जाती है। ऐसे ही जितना हम प्रोटीन लेते हैं उसको 4.2 से गुणा करेंगे तो हमारी क्या होगी, प्रोटीन से किलो कैलोरी की उत्पत्ति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से वसा से हमारी किलो कैलोरी है वो प्राप्त हो जा सकती है। इसके अंदर ये भी देखा जा सकता है, कई बार जो ऑप्शन आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें 4 किलो कैलोरी भी आ सकता है। 4 किलो कैलोरी भी अगर आती है तो भी आपका सही हो जाता है, और 4.2 आता है तो भी आपका सही है। इसमें भी आपको 9 किलो कैलोरी या ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन जो सही मात्रा होती है वो 4.2 इसकी बताई जाती है। तो इस तरीके से आहार का, पोषण का और स्वास्थ्य का आपस में इन तीनों का अंतर संबंध है, जो हमारे शरीर के अंदर सुपोषण की और कुपोषण की स्थिति को प्रकट करता है। ये इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है, ये आप सारा एक बार देख लीजिए और इसको रिपीट कर लीजिए। उसके बाद में आपको आहार का वर्गीकरण का टॉपिक है वो आपको करवाती हूँ कि जो हमने आहार लिया है, ये प्रोटीन ऊर्जा वसा जो भी हम खा रहे हैं इनका किसका क्या कार्य है, ये भी हमें देखना जरूरी है कि जो भोजन खा रहे हैं भोजन शरीर के अंदर किस किस तरीके से कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल है ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी बढ़े। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरी वन।